हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम हैमर है। तो आज हम हैमर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, ये किस कंपनी का है, इसको हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम हैमर है, जो कि ये स्वाल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल इसमें नोवालोरॉन पाया जाता है, जो कि इसमें 5.25% पाया जाता है। दूसरा इसमें इमामेक्टिन बेंजोइट पाया जाता है, जो कि इसमें 0.9% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेट बोलते हैं, जो कि ये सफेद लक्कड़ गाढ़े फॉर्म में होता है। ये एक इंसेक्टीसाइड है, ये एक कॉन्टेक्ट और स्टोमेक इंसेक्टीसाइड है। इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं, तो ये सभी प्रकार की इल्लियों, जैसे फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, पॉड बोरर और भी इल्लियां लगती हैं, उन सभी इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। पत्ती लपेटक सुंडी होती है, पत्ती खाने वाली सुंडी होती है, डायमंड बैक मौत होती है, फूल गोभी और बंद गोभी में लगने वाली इल्लियां होती हैं, सभी प्रकार की इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, चना, मटर, सेम, भिंडी, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सभी प्रकार की फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ये कॉन्टेक्ट और स्टोमेक कीटनाशक है। इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं, तो जब भी कीट इसके संपर्क में आते हैं और कीटों के जब पेट में ये चला जाता है, तो पेट में जाने के बाद उनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसको ये प्रभावित कर देता है और धीरे धीरे कीटों में पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस होने के कारण धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, जब भी आपकी फसल पर इल्लियों का प्रकोप दिखाई दे, तभी आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको एक ही तरीके से प्रयोग करना है कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं, तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है, इसकी डोज फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर और कीटों के प्रकोप पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। एक एवरेज इसकी मात्रा आप इसको 350 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसको पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 35 ml से लेकर 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेनफास्टनेस की बात करें, तो इसकी स्प्रे करने के बाद या 2 घंटे बाद भी बरसात हो जाती है, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट फसल पर देखने को मिल जाता है। बात करें इसको किस किस प्रोडक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक और भी किसी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं, तब और भी अच्छा रिजल्ट इसका फसल पर देखने को मिलता है। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसकी जो रिजल्ट ड्यूरेशन है, वो लगभग एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है। एवरेज इसकी कीमत ये 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। तो ये हैमर प्रोडक्ट जो कि स्वाल कंपनी का है, इसमें इमामेक्टिन और नोवालोरॉन जो टेक्निकल पाया जाता है, ये दोनों जो टेक्निकल हैं, ये काफी अच्छे टेक्निकल हैं। आप इस प्रोडक्ट को अपनी फसलों में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही हैमर प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।